तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो पॉलीफिक्स जेल ग्लू है, ये हमारे पास जो ग्लू है ये है एक WPC PVC ग्लू जेल, ठीक है। इसकी जो लाइफ होती है वो होती है 6 मंथ की, और ये ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग इतना होता है कि इसमें आपको एक्टिवेटर की भी ज़रूरत नहीं है। आपस में जो भी चीज़ आपको जोड़नी है आप जल्दी से आसानी से जोड़ सकते हो। और हमारे पास है एक रैपिड HV ग्लू, ठीक है। इसमें क्या है, आपको सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा मिलती है, और इसमें क्या है कोई भी चीज़ आप लगाते हो तो इसमें आपको सेटिंग टाइम भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल सकता है। जैसे कि आपको स्प्रे के साथ आपको यूज़ करना हो तो आसानी से आप एप्लीकेशन को सेट करके आप लगा सकते हो। तो हम आपको एच बेंडिंग टेप ये वाली लगा के दिखाते हैं, जैसे कि HV के साथ में। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस कैसे आपको PVC फोम बोर्ड पे या टक्कर टेप आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। तो जो लगाने का तरीका है, आपको सीधी तरीके से पहले ग्लू लगाना पड़ेगा ज़िगज़ैग फॉर्म में। ये इस तरीके से आप लगा सकते हो, एक सीधी लाइन दे दो या आप ज़िगज़ैग में लगा दो। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ग्लू लगा लिया। और अभी ग्लू लगाने के बाद में एज बेंडिंग को किस तरीके से आपको रखना है, और आप अब अगर आप सीधी रख देंगे इस तरीके से तो ये बिल्कुल गलत चिपक जाएगी। इसमें आपको इस तरीके से रखना है, एक साइड से आपको प्रॉपर तरीके से पकड़ के रखना है। तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा जैसे हमने ग्लू प्रॉपर तरीके से लगा लिया, अब हम इसमें एज बेंडिंग टेप को रखेंगे। लेकिन आपको इस तरीके से रखना है, जैसे हम अगर सीधे इस पर रख देंगे, सीधे रख देंगे तो इसमें बबल्स वगैरह बन जाएंगे। हम प्रॉपर तरीके से पहले एक कॉर्नर पर रखेंगे, फिर पीछे से इसको प्रेस करते चले जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। जो लगाने का तरीका होगा वो यही होगा। और उसके बाद में किसी भी आपको कपड़े से आप इसको प्रेस कर सकते हो, इसको दबा के अपनी जगह पे आप इसको किसी भी कपड़े से इसको सेट कर सकते हो। लेकिन इसका जो लगाने का तरीका होगा वो यही होगा प्रॉपर तरीके से, नहीं तो एज बेंडिंग आपका बबल्स बन जाएंगे और उसमें आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपने देखा होगा, इसमें आपका 5 से 10 मिनट में एज बेंडिंग आपके प्रॉपर तरीके से चिपक जाएगी, HDMR हो, प्लाई हो, MDF हो या PVC फॉर्म मोड हो। लेकिन इसमें आपने देखा होगा, इसमें हमने मास्किंग टेप आपको नहीं करनी पड़ेगी।